Good morning. How are you all? You all are good. Very good. I am Miss Anya ma'am, your nursery assistant class teacher. Yes? Yes. चलो आज हम क्लास में क्या करेंगे, पर अभी हम क्लास स्टार्ट करने से पहले मैम आपको एक चीज बताएंगी, वो क्या है। अब आपके सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, आपको पता है। वेरी गुड। अब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, है ना। अब आपने एग्जाम्स की बड़ी अच्छी से क्या करनी है, उसको प्रिपेयर करना है और मैम को सबने वीडियो सेंड करनी है। ओके ओके, सबने एग्जाम की ओरल एग्जाम्स, रिटन एग्जाम्स की वीडियो बना के पीडीएफ बना के मैम को सेंड करनी है। ओके एवरीवन, ओके। तो हम वापस आते हैं, आज हमारी कौन सी क्लास है, हिंदी की क्लास। और हिंदी क्लास में हम क्या करेंगे, आपको लग रहा है कि मैम अक्षर करवाएंगे? नो। राइम्स करवाएंगे? नो। आप तो कुछ न्यू करेंगे क्लास में। क्या करना है आज क्लास में, हमने बातें करनी है। और बातें हम किस पे करेंगे, वार्तालाप चार्ट पे। यस, किस पे करेंगे, वार्तालाप चार्ट पे, कन्वर्सेशन चार्ट। आज हम करेंगे हिंदी का वार्तालाप चार्ट। उसमें क्या है, बड़ी बड़ी पहाड़ जो बर्फ से ढके हुए हैं, उस पे लोग क्या कर रहे हैं, पहाड़ चढ़ रहे हैं। और उसमें है बड़ा सा समुंदर, समुद्री जहाज भी है, उसमें छोटे छोटे बच्चे खेल भी रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, उस टॉपिक्स पे, उस पिक्चर्स को देख के हम क्या करेंगे, बातें करेंगे, है ना। और आप भी घर में बुक ओपन करके इस टॉपिक्स पे, इस चित्र को देख के क्या करेंगे, बातें करेंगे, मम्मा के साथ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, ओपन योर लैंग्वेज पिक्चर डिक्शनरी बुक पेज नंबर 46। जैसे मैम ने आज आपको बताया कि आज हम हिंदी वार्तालाप चार्ट पढ़ेंगे ना, तो ये है आपका वार्तालाप चार्ट, ठीक है। वार्तालाप चार्ट में हम क्या करेंगे, इसमें जितने भी चित्र हैं उससे हम डिस्कशन करेंगे, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे, ओके। और साथ में मैम आपको एक बात बताती है, वार्तालाप चार्ट में दो तरह के प्रश्न होते हैं, एक होते हैं क्लोज, एक होते हैं ओपन माइंड क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले हम कौन से करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, चलिए ठीक है। सबसे पहले हम एक ऊपर वाला जो चित्र है इसके रिगार्ड, इससे इस चित्र से हम वार्तालाप चार्ट से बात करते हैं, ओके। मैम को बताओ पहाड़ पे क्या है, पहाड़ पे बर्फ है। वाइट वेट क्या है, पहाड़ पे बर्फ है। और पहाड़ पे लोग क्या कर रहे हैं, पहाड़ पे लोग चढ़ रहे हैं, पहाड़ पे लोग क्या कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। और मैम को ये बताओ लोग कैसे चढ़ रहे हैं पहाड़ पे, ये दोनों पहाड़ पे कैसे चढ़ रहे हैं, लाठी की सहायता से। कैसे चढ़ रहे हैं, लाठी की सहायता से, और ये घोड़े की सहायता से, है ना। देखो पहाड़ पे हम ऐसे चढ़ते हैं ना, बिकॉज पहाड़ पे बर्फ़ होती है, तो बर्फ़ क्या होती है, पानी में बदल जाती है ना, तो स्लिपरी होता है, इसलिए हम लाठी की और घोड़े की सहायता से पहाड़ पर चढ़ते हैं, है ना। और देखिए हम, और हमें क्या दिख रहा है, और एक और नीचे सीन है, देखो है ना सीन, कौन सा सीन है, समुंदर का सीन, समुंदर का चित्र बना हुआ है ना, है ना। तो मैम को बताओ समुंदर में क्या है, समुद्री जहाज, एक बड़ा सा जहाज, समुंदर में क्या है, जहाज। अच्छा बताओ मैम को, समुंदर के लोग बताओ समुंदर के किनारे हम क्या करते हैं, घूम रहे होते हैं, है ना, घूम रहे होते हैं। ये थे हमारे क्लोज एंड क्लोज माइंड क्वेश्चन, जिसमें क्या होता है कि सबके आंसर सेम होते हैं। अब मैम आपको सेकंड टाइप के क्वेश्चन पूछती है, ओपन माइंडिंग, जिसमें आप अपनी मर्जी के क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। जैसे क्या आप पहाड़ देखा है, आपने पहाड़ देखा है, कुछ कुछ बच्चे कहेंगे मैम यस मैंने देखा है, कुछ कहेंगे मैम नहीं। तो ये क्या होते हैं, सबके अलग अलग
आंसर्स होते हैं, इसको हम कहते हैं ओपन माइंडेड आंसर। आप कभी पहाड़ पर चढ़े हैं? यस, तो इसका आंसर भी आपने देना है, क्या पहाड़ पर चढ़े हैं। ओके ओके मैम, का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? समुंदर कैसा होता है? समुंदर बहुत बड़ा होता है। समुंदर कैसा होता है? समुंदर बहुत बड़ा होता है। लोग समुंदर के किनारे क्या कर रहे होते हैं? देखो, कुछ लोग खेल रहे हैं, कुछ लोग घूम रहे हैं, कुछ लोग समुंदर में खाते हैं, खाने पीने जाते हैं, है ना? तो कुछ लोग वॉक करने जाते हैं, है ना? तो देखो, इसमें सबके आंसर्स अलग अलग होंगे। ओके, अगर आप समुंदर में जाते तो क्या करते? क्या करते? समुंदर जहाज में समुंदर में सैर करते। अगर आप समुंदर में जाते तो क्या करते? समुद्री जहाज में समुंदर की सैर करते। आप धूप कहाँ सेकते हैं? हम धूप घर में सेकते हैं, बट कई लोग समुंदर के किनारे भी धूप सेकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको आप जैसा मर्जी आप आंसर दे सकते हैं। ओके ओके एवरीवन, तो आपने भी घर पर मम्मी पापा के पास बैठ के ये जो आपका वार्तालाप चार्ट है, आपने इससे मम्मा पापा के साथ बैठ के चर्चा करनी है। ओके ओके चलिए। अब मैम ने आपको बुक में से वार्तालाप चार्ट बताया कैसे करना है, और अब आपने भी घर पर मम्मा के साथ पापा के साथ बैठ के डिस्कशन करने हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।